आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिशेज JNG किचन में। आज हम बनाएंगे समी चावल की खीर। समी चावल की खीर बनाने के लिए हमने आधा कप समी चावल ले लिए है। अब हम इसे धो लेंगे। ये देखिए हमने धो लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया। अब हम एक चम्मच घी ले लेंगे। घी में पहले ड्राई फ्रूट है उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी में हम बादाम, कटा बादाम भी डाल लेंगे और कटा काजू भी डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट सीख गया, अब हम निकाल लेते हैं। हल्का ही सीखना है हमें। अब हम एक चम्मच घी डालेंगे। समी चावल डालकर हम थोड़ा सा समी चावल को भून लेंगे। जल्दी बन जाता है, हल्का ही भूनना है हमें। अब हम मलाई वाले दूध लेंगे, कम आँच में बनाना है। मलाई वाले दूध लेना है हमें। दूध 3 कप ले लिए हमने। कम आँच में पकने देंगे हम इसको। आधा कप पानी डाल देंगे। समी चावल का खीर बहुत जल्दी बन जाता है और फास्ट के लिए भी अच्छा होता है। ये देखिए उबल गया, 8 से 10 मिनट हो गया। हमारा खीर बनकर तैयार हो गया, कितने अच्छे से देखिए। आप व्रत में इलायची पाउडर खाते होंगे तो इलायची पाउडर डाल सकते हो। अब हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, चम्मच चला लेंगे। चीनी डाल लेंगे स्वादानुसार और चीनी को थोड़ा भूनने देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। ऊपर से थोड़ा पिस्ता डाल लेंगे। ये देखिए बहुत जल्द 10 मिनट में तैयार हो गया समी चावल का खीर। मेहनत भी नहीं है इसमें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।